तो आज के व्लॉग की शुरुआत करेंगे हम अपने स्टेशन से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और ड्यूटी जाने में अभी टाइम है। तो आज मेरी मॉर्निंग की ड्यूटी है। तो ये ठेला आप देख सकते हैं, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा ये क्या चीज़ है जो यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। तो ये है वन स्टेशन वन उत्पाद के तहत जो अभी इसका ट्रायल चल रहा है। रेलवे ने मांगा है ट्रायल की वन स्टेशन वन उत्पाद के तहत। अभी मतलब जो आप अपने स्टेशन पे यानी लोकल के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ एक उत्पाद अपना बेच सकते हैं। तो ये चने वाला अभी यहाँ लगा हुआ है, फिलहाल ट्रायल पे है ये भी, और उसके बाद देखते हैं इसका क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन पर खम्भे भी लग चुके हैं, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक खम्भे लग चुके हैं स्टेशन पर हमारे। तो इलेक्ट्रिसिटी का काम बड़ी स्पीड से हो रहा है, खम्भे स्टेशन पे तो लग चुके हैं, लगते हुए आ रहे हैं पीछे से। तो पूरा एकदम बढ़िया से अब स्टेशन हमारा दिखेगा यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक हो जाएगा पूरा। तो एक तो यहीं पर ही लगा हुआ है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, जस्ट सामने ऑफिस के। तो बढ़िया एकदम हो गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, अलग अलग कमेंट है। कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, कुछ मेडिकल से प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, कुछ अदर प्रॉब्लम्स हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मैंने कमेंट पिक किए हैं, जिसमें एक तो आप लोगों ने टेस्ट बुक से जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके अभी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं पूछ रहे हैं कि क्या हमारे वैसे ही मार्क्स वहाँ पर भी रहेंगे ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन में, पूछ रहे हैं। और कुछ हैं कि जो लास्ट एंड मोमेंट पे स्ट्रेटजी चाहते हैं, और कुछ हैं जिनको जीके करंट अफेयर्स में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और कुछ का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी मिला जुला सबको तैयारी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यही मैंने कमेंट अभी पिक किए हुए हैं एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोगों का। तो बात करते हैं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं कहीं से भी दे रहे हो, तो उसमें अगर आप लोग के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो अब आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है कि यार ये सेम पैटर्न वहाँ रहेगा, तो सेम पैटर्न ही रहेगा लेवल वन के लिए रहेगा। थोड़ा जीके में मान सकता हूँ कि मॉक टेस्ट में थोड़ा सा जीके आप लोग से इजी पूछ ली जाती है, जैसे टेस्ट बुक वगैरह में होता है थोड़ा मॉक इजी, उसमें थोड़ा सा जीके इजी पूछता है। और आपके लेवल वन में थोड़ा सा जीके क्या होता है, थोड़ा सा हटके पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पेपर पैटर्न कुछ और है। थोड़ा सा जीके आप लोगों से थोड़ा सा डीप जाके पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछेगा लेवल वन में। और साइंस तो वैसे ही सेम रहना है, और रीजनिंग अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट छोड़ दिया जाए रीजनिंग का, थोड़ा सा जिसमें पढ़ना पड़ता है आपको, लंबे लंबे आपको पैराग्राफ देते हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो रीजनिंग भी सेम वैसी ही रहती है जैसे आप लोग का मॉक टेस्ट में रहती है। और मैथ तो वैसे ही रहना है, मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा लेवल वन में, वैसे भी मैथ ठीक ही आती है, आप लोगों को थोड़ा सा डरने की ज़रूरत नहीं है मैथ की, है बहुत हार्ड मैथ आएगी आपको। मैंने पहले ही टॉपिक बता रखे हैं शुरू के टॉपिक, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से ज़्यादा पढ़ना। और जिन बच्चों के मॉक में मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो एक काम करना आप लोग, मैथ थोड़ा सा पकड़ बनाओ, रीजनिंग में पकड़ बनाओ, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। आप इनको अगर छोड़ देंगे तो मैं नहीं समझता कि शायद ही इनको छोड़ के आप लोग सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को इनको छोड़ के। तो मैथ और रीजनिंग आप लोग को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग बहुत फोकस करना पड़ेगा आपको मैथ और रीजनिंग में। और कुछ पूछ रहे हैं लास्ट एंड मोमेंट पे स्ट्रेटजी क्या होगी, यार स्ट्रेटजी ये होगी कि आप मैक्सिमम पढ़ाई करें, अभी जितना टाइम दे सकते हैं करीबन 6-7 घंटे आप लोग बैठना ही बैठना है आप लोगों को, और टॉपिक वाइज बांट ले कि पूरे दिन में कि 1 घंटा 2 घंटा इसको पढ़ना है, मतलब अभी टाइम टेबल बना ले, 1 मंथ का लास्ट 1 मंथ का टाइम टेबल के हिसाब से पढ़े, नहीं तो फिर दिमाग आप लोग का हॉशपॉश हो जाएगा, ठीक है। तो कभी इधर भागो, कभी कुछ पढ़ोगे, कभी कुछ, तो एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ लो कि सुबह में ये पढ़ना है, दिन में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और रिविज़न के लिए भी टाइम बना लो। और मैंने बताया करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी पब्लिकेशन है, आप लोग के पास कोई अदर पब्लिकेशन की बुक है तो उसको रिविज़न करना शुरू कर दो और रिवाइज़ करना शुरू कर दो, पेन कॉपी लेकर बैठा करो, उसमें रिवाइज़ किया करो, ठीक है, लिख लिया करो, याद कर लिया करो, या किताब से उठा के या किसी से कॉपी देकर पूछ लिया करो, या प्रैक्टिस सेट लगा के वैसे भी अपनी प्रैक्टिस चेक कर लिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह में बहुत ईजी ट्रिक्स होती हैं, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे आप रैंकिंग को याद कर सकते हैं ईजी ट्रिक्स से, तो बहुत सारे चैनल हैं, एक क्रेजी ट्रिक्स करके एक चैनल है, वो भी बहुत अच्छी आप लोग को जीके वगैरह बाय ट्रिक तरीके से बताता है, जैसे ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको याद करने की ट्रिक होती है, तो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताता है, नोबेल प्राइज़ की याद करने की ट्रिक, तो ट्रिक से भी आप लोग को जल्दी याद हो जाता है। तो एक तो ये रही, आप लोग रिविज़न भी करना शुरू करें, लूसेंट से जीके पढ़ना जो बच्चे पढ़ते हैं वो ठीक है, स्पीडी की रेलवे की बुक आती है या कोई अदर पब्लिकेशन, A to Z आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी से पढ़िए, आप जो भी पब्लिकेशन की बुक रखे हैं उसको प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, रिवाइज़ करिए, 1 महीने का टाइम है,
खूब रिवीजन लगाइए, ठीक है। हो सके तो ग्रुप स्टडी करिए, ग्रुप में पढ़िए। नहीं आप लोग ग्रुप में कंफर्टेबल हैं तो अकेले आप लोग मैक्सिमम टाइम देके पढ़ें और रिवीजन का टाइम जरूर निकालें, ठीक है। अपने आप को चेक भी करना है इस टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, कि यार मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है हमसे उतना ज़्यादा, ठीक है, याद हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप दिन भर पढ़ाई कर ली और शाम को आपको कुछ भी याद नहीं है, अगले दिन कुछ भी याद नहीं है, तो इससे कुछ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग कोशिश ये करें कि मतलब जितना भी पढ़ें वो कैलकुलेटिव पढ़ें, ठीक है। उसका इनपुट आप लोग को आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आप कुछ दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम वो चीज़ याद भी रहनी चाहिए, ठीक है। और लूसेंट वगैरह से जीके के आप इंपोर्टेंट पढ़ें, ठीक है। जो पीछे आप लोग का इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जीके, अगर लूसेंट जो बच्चे पढ़ते हैं लास्ट एंड में जो दिए हुए हैं, जिसमें आप लोगों के विविध क्वेश्चन कहते हैं जिसको, जिसमें बहुत सारे संस्थाओं की स्थापना ये वगैरह पीछे देखना आप लोग लूसेंट की बुक में, वो भी इंपोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इंपोर्टेंट जो वॉर हैं, युद्ध हैं, मैंने बहुत सारे जीके पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, इतना बड़ा मेरा 17-18 मिनट का वीडियो है, पूरा डिस्क्रिप्टिव वीडियो कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक भी मैंने बता रखे हैं सारे उसमें से। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी मेरा सारा वीडियो A to Z मेरे वीडियो बने हुए हैं सारे सब्जेक्ट को लेकर, तो आप देख सकते हैं अभी मेरे जाके, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बाकी छुट्टियों पे वीडियो, मेडिकल का एक अलग से वीडियो, और लास्ट एंड पे जो स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आप लोग मेरा पूरा हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया, आप लोग जाके देख लें। फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी आज मैं बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लूँगा, कल परसों तक बना पाऊँगा वीडियो, डेली वीडियो बनाऊँगा। तो अभी फिर ड्यूटी भी जाना हुआ है, तो मैं अभी उठ के सीधे इधर ही को वीडियो बनाने आप लोगों के लिए शूट करने के लिए आया, थोड़ा बहुत फ्रेश मैं हुआ, चाय मैंने पी, फिर उसके बाद मैं सीधे इधर ही को आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आया। तो अभी ड्यूटी भी जाना है, दिन की ड्यूटी है मेरी, तो ड्यूटी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, तो इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पिक नहीं कर रहे, इतने सारे क्वेश्चन पे मैं वीडियो, बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो बन नहीं पाता है इतने वीडियो, तो धीरे धीरे बन रहे हैं। तो अभी हो सके तो मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगा, लाइव में भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, तो हो सके तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दें, ठीक है। अभी इधर उधर ना भटकें, जितना कंट्रोल अपने आप पर कर सकते हैं करिए, और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखने के लिए आप लोग दोस्तों वगैरह से बात कर सकते हैं, और ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों से बात करिए, ऐसे लोगों से बात मत करिए जो आपको नीचे गिराते हैं, ठीक है। सपोर्टिव लोगों से बात करिए, अपने ग्रुप डी तैयारी करने वाले लोगों से बात करिए, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करिए, या जो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे बात करिए, वो आप लोग को बेस्ट सलाह दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी एंड मौका है आप लोगों के लिए अच्छी तैयारी करने का, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके वीडियो बनाऊंगा टॉपिक रिलेटेड, ठीक है। तो अभी ड्यूटी का भी टाइम होने वाला है थोड़ा देर बाद, ठीक है, तो फिर ड्यूटी को भी निकलना पड़ता है। आप लोग को पता ही है 12 घंटे की ड्यूटी है साइड स्टेशनों में। सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।